तो मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख का विरोध कर रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया आज नए रंग में दिखेगा। पीएम मोदी के संसद में बयान न देने के विरोध में आज विपक्ष के सभी सांसद काले कपड़े में पहुंचेंगे। कांग्रेस ने अपने सांसदों को राज्यसभा के लिए व्हिप जारी करके मौजूद रहने के लिए कहा है। 5 दिन से संसद मणिपुर पर संसद ठप है, सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष पहले पीएम मोदी के संसद में बयान पर अड़ा हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने कल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया, जो की चर्चा के लिए मंजूर भी हो चुका है। तो 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं संसद में किस तरह से काले कपड़े पहनकर आज विपक्षी गठबंधन के तमाम जो सांसद है वो पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन विरोध करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश, और अड़ा हुआ है विपक्ष कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर जो है बयान दे, उसके बाद चर्चा होगी। तो संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर देखिए हंगामा हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने पीएम के बयान की मांग की है, लगातार 4 से 5 दिन हो चुके हैं, और संसद में आज काले कपड़े पहनकर विरोध किया जाएगा। तो तैयारी है नए तरीके से विरोध जताने की, और विपक्षी सदस्यों ने यह तय किया है, इंडिया गठबंधन ने यह तय किया है कि वो काले कपड़े पहनकर आज पहुंचेंगे और विरोध जताएंगे। देखिए 198 में लोकसभा की चर्चा कराने की नोटिस कांग्रेस ने दी, जब उसमें 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हो गए तो भाजपा के सामने कोई विकल्प नहीं था, माननीय अध्यक्ष जी ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि आवश्यक संख्या से कहीं ज्यादा लोग खड़े हो गए। अब बची बात चर्चा, फिर बेईमानी, चर्चा तो कल ही शुरू करा देना चाहिए था, जब स्वीकार हो गया तो किस बात के लिए रोक रखा है आप? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हम प्रधानमंत्री मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं कि देश के मुखिया होने के नाते आज मणिपुर की बात आज सदन के अंदर रखिए। ये सिर्फ अब मणिपुर की बात नहीं रही, उत्तर पूर्वांचल के दूसरे प्रदेशों में भी ये समस्या फैल रही है। सीमा से सटे हुए ये हमारे उत्तर पूर्वांचल के प्रदेश हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की अखंडता का सवाल है। इसीलिए सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करें। अरे जिनको अपने पर विश्वास नहीं है वो नो कॉन्फिडेंस की बात करता है। ये विपक्ष में कांग्रेस को, इनके चरित्र को सब लोग जानते हैं, और पूरी तरह से ये अपने को इंडिया कह करके जोड़ते हैं विपक्ष के लोग। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बना के पूरे भारत को लूटने का षड्यंत्र किया था। देश चिंतित है, विपक्ष चिंतित है कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, मणिपुर में देखिए आप, और हमारे देश में दूसरे सारे विषय, सारे मुद्दे देखिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट एक मंच है इस किस्म के विषय को चर्चा करने के लिए, और जब तक ये प्रधानमंत्री आना भी नहीं चाहता है लोकसभा में या राज्यसभा में, नेचुरली हमारे लोग तो काफी असंतुष्ट हैं, और इसलिए हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए कि इसके लिए कम से कम जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा। देखिए विपक्ष को ये अधिकार है, लेकिन सबों को मालूम है कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। इसके पहले 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, बुरी तरह से गिरा, और बीजेपी 288 से 303 पर पहुंच गई। तो लाएं तो अच्छा, उस पर बहस होगी, जवाब दिया जाएगा, और अच्छा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में केवल मणिपुर नहीं, बिहार की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी, क्योंकि वो किसी एक विषय पर तो होगी नहीं चर्चा, सारे विषयों पर होगी, और हर विषय का जवाब देने के लिए तैयार है। और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं और रविंद्र कुमार भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रविंद्र, पहला सवाल आपसे, और सवाल ये कि किस तरह की तैयारी आज विपक्ष के सदस्यों के द्वारा की गई है? देखिए बिल्कुल, अडानी मसले पर पिछले सत्र में आपने देखा जो ड्रेस था वही ड्रेस कोड इस बार मणिपुर मसले पर आज देखने को मिलेगा विपक्ष का। और जाहिर सी बात है, आपने जिसे कहा कि अड़ा हुआ है विपक्ष, अड़ा भी हुआ है और एक साथ खड़ा भी है, और यही मकसद है विपक्ष का कि वो एकजुट दिखे। कम से कम बहुमत नहीं है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री उसका जवाब दे और मणिपुर पर जितना विपक्ष के सदस्य हैं वो इस पर बोल सके, लेकिन सरकार भी अपनी तरह से पूरी तैयार है। और देखिए कितनी बेफिक्र सरकार है विपक्ष के इस रणनीति के प्रति, कि कल ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले थर्ड टर्म में
वो देश के इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर लाएंगे पूरे विश्व में। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, रणनीति अमित शाह का कि वो पूरी तैयारी आप ब्लैक कपड़े पहन के आइए या फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, देश की जनता उनके साथ है और आपके सारे मुद्दों पर जवाब देंगे, आपको कटघरे में खड़ा करेंगे, आपके इतिहास को खंगालेंगे और मोदी सरकार के भविष्य के जो सुनहरे सपने हैं बिल्कुल रविंद्र, पूरी तैयारी के साथ देखिए विपक्ष ने तैयारी यहाँ पर कर रखी है। काले कपड़े पहनकर पहुंचेंगे आज संसद में। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की यहाँ पर बात हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव को एक अवसर के रूप में देख रही है सरकार? देखिए, सरकार का मानना है, सरकार सोचती है जो सत्ता पक्ष है कि ऐसे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं विश्वास प्रस्ताव, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो नंबर्स हैं सरकार के पक्ष में हैं और बहुत इजीली ये जो मोशन है गिर जाएगा। ये बात विपक्ष भी जानता है कि उनके पास नंबर की कमी है लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क है कि जो अपोजिशन के बीच में जो उनके लीडर्स हैं तमाम जो लगातार कंटिन्यूशन में बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके प्लान बना रहे हैं। देखिए, ठीक आज जिस तरीके से काले कपड़े पहन के आने का फैसला किया गया, उससे पहले वो कभी एक साथ खड़े होकर के पोस्टर लेकर के मणिपुर को लेकर के विरोध जताते हैं। और लेकिन यहाँ विपक्ष का कहना है कि ठीक है, हम भले ना प्रूव कर पाएं लेकिन ये ऐसा मूव है जिसमें वो प्रधानमंत्री से जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि मणिपुर को लेकर के वो पार्लियामेंट के अंदर बोलें, तो इस मोशन के तहत अब प्रधानमंत्री विवश होंगे अपने आप को पार्लियामेंट में ला करके बोलने के लिए। और विपक्ष लगातार इस पूरे दौरान मणिपुर पर ही सरकार को घेरेगा, चूंकि आप देखें तो 2024 के इलेक्शन है, उसके पहले दोनों पक्ष से, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, एनडीए की बात करें या इंडिया की बात करें, दरअसल सभी को यह मालूम है कि अब समय कम है और ना तो विपक्ष मौके ऐसे ढूंढ रहा है कि जहां उसको मौके मिले उस सरकार को घेरे, वहीं पर जो सत्ता पक्ष है वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि बिल्कुल। तो ये जो मनीष जानकारी दे रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है। वापस एक बार रविंद्र कुमार के पास चलते हैं। रविंद्र, ये भी जो तय नियम है या जो तय परंपरा है उसके मुताबिक पहले विपक्ष के सदस्य बोलेंगे और अंतिम जवाब या ये कहिए कि अंतिम बात प्रधानमंत्री रखेंगे, जो अब तक की परंपरा है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो मूव करता है, जाहिर सी बात है अपोजिशन का कोई नेता मूव करता है, ये इंडिविजुअल होता है और 50 से ज़्यादा लोग हाथ उठाते हैं जिसको हैंड काउंट करके उसको अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। कल गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव दिया था, उसे स्वीकार किया गया है, तो शुरुआत गौरव गोगोई करेंगे और इसका जो जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। एक बात और आपको जानकारी दे दें कि जो हमें जो सरकार के एक बड़े मंत्री के अनुसार ये दो दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, 11-12 घंटे का होगी। इसमें अमित शाह मणिपुर से रिलेटेड जितने मुद्दे उठेंगे वो जिस दिन चर्चा शुरू होगी देर शाम को अमित शाह जवाब देंगे मणिपुर से रिलेटेड। बिल्कुल, इस जवाब पर भी नजर रहेगी। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। Z News।